नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में लॉटरी पद्धति से संपन्न होने वाले बच्चों के एडमिशन कार्य के दौरान वार्ड 8 निवासी 11 वर्षीय डिंपल सोनी को गोद लेने का निर्णय लिया है। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में लॉटरी पद्धति से संपन्न होने वाले बच्चों के एडमिशन कार्य के दौरान वार्ड क्रमांक 8 निवासी 11 वर्षीय डिंपल सोनी को गोद लेने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के दौरान ये बच्ची डिंपल सोनी रोते हुए महापौर तक पहुंची, जिसके पश्चात ये पता चला कि डिंपल की मां का देहांत हो चुका है। पिता भूपेंद्र सोनी भी डिंपल के बचपन से ही लापता है। ऐसे में डिंपल सोनी पूर्ण रूप से एक छोटी निराश्रित कन्या है। महापौर निर्मल कोसरे ने डिंपल सोनी को गोद लेने का निर्णय लिया। अब डिंपल को 12वीं तक की शिक्षा का संपूर्ण व्यय श्री कोसरे द्वारा वहन किया जाएगा। गौरतलब है कि महापौर द्वारा इस तरह का निर्णय लिए जाने से उपस्थित जनों ने उनकी संवेदनशीलता के लिए साधुवाद किया है। आज मैं जब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जनता स्कूल में बच्चों को एडमिशन के लिए लाट निकालने गया था, उस समय मुझे पता चला कि डिंपल जो कि अभी क्लास 6 में पढ़ रही है और इनको क्लास 7 में एडमिशन लेना है। लड़की काफ़ी टैलेंटेड थी और मैंने उसको पूछा, बेटा इतना आप मायूस क्यों हो? तो बोले कि अंकल, मैं यहाँ पर 7th क्लास के लिए अपना फॉर्म डाली हूँ। उसके साथ आए गार्जियन को मैंने पूछा कि परेशानी किस चीज़ की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी बच्ची की जो माँ है वो कैंसर से ख़त्म हो गई और इनके पापा जो हैं बरसों से छोड़ के चले गए हैं। पता चला तो मैंने इनको आश्वस्त किया कि पता चलने के बाद जो इनके साथ घटना हुई, निश्चित रूप से मैं भी उस घटना से झकझोर हो गया। मैंने तत्कालिक रूप से कहा कि आपके 12वीं तक के जो खर्चे हैं, आपके जो भी कापी किताब में खर्च होंगे, मैं उसमें सारा आपको मदद करूँगा। और महतारी दुलार के तहत इनको वहाँ पर प्रवेश भी दिलाया जा रहा है और इनके जो भी खर्च वहन होंगे उनकी सारी खर्च की जिम्मेदारी 12वीं कक्षा तक की मेरी होगी। और इस बेटे को मैं चाहता हूँ कि आगे पढ़ लिख के हम सब भिलाई वासियों का नाम रोशन करें, अपनी माँ का नाम रोशन करें, अपने पिता का नाम रोशन करें और जो भी इनको सहयोग करें उनका नाम रोशन करें। और मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि ऐसे बच्ची का मुझे आज इत्तेफाक से मुलाकात हुई और मुझे सहयोग करने का मौका। बहरहाल इससे पहले भी महापौर ने देवबलोदा की एक 6 वर्षीय बच्ची को भी गोद लेकर उसकी पढ़ाई पूरी करने का जिम्मा उठाते हुए पार्षद के माध्यम से स्कूल में उसका दाखिला कराया था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।